बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। यथार्थ में हम सब बंधे हैं, पर वो बंधन दिखते नहीं। बिन रसरी सकल जग बंधिया, एक न भूला दुई न भूले, जो है सनातन सोई भूला, एक दो नहीं भूले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तेरे, जीवन मुक्त न माहे बढ़ेरे। सोते भाव सागर को कारण, बार बार तिनको बस धारण। व्यास पराशर बाधा, दशरथ जन को ध्रुव प्रलादा। सो सब जीवन मुक्त कहा है, पुन पुन धर तन धर जग में आए। बोला ये सब जीवन मुक्त कहलाए, लेकिन दोबारा दोबारा जन्म हुआ। आवागमन का चक्र नहीं टूट सकता है बिना सतगुरु का शब्द पाए। सत्य कबीर वचन पर माना, ध्रुव प्रहलाद श्रेष्ठ कर जाना। भक्ति में ध्रुव और प्रहलाद की कोई तुलना नहीं है। 60,000 वर्ष ध्रुव भोग कर, प्रहलाद भोग चौकरी बहत्तर। इतना बड़ा भक्त नहीं को आवागमन युक्त रह सो, यानी इनका भी आवागमन हुआ है। आप अचंबा मानेंगे। जेते जीवन मुक्त कहाए, पुन पुन तंधर जग में आए। प्रलय विदेह मुक्त सब हुई, उत्पत्ति में तंधर सब लोई सोई। आवे जाए सो मुक्त न मानो, दोनों मुक्ति भ्रम कर जानो। ये भ्रम है। अब साहब यहां क्या करें, तहके गए बहुर न आवे। ऐसा देश हमारा है अबधु, बेगम देश हमारा है। भर्म सेवा, भर्म पूजा, भर्म जप तप ध्यान। भर्म कर कर भर्म बंदा, नहीं सब पहचान। भर्म इंद्री करी निग्रह, भर्म गुफा में वास। ये सब मन की क्रियाएं। आपको ध्यान होगा, मैंने 4 साल पहले ये बात उठाई थी कि वैज्ञानिक लोग अभी इंसान को अमर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं, मेमोरी निकाल रहे हैं। आदमी कितना भी यत्न करे, निरंजन की सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है। आदमी जो कुछ करेगा ब्रेन से करेगा, और वो निरंजन है। इसलिए जो आदमी खोजे कर रहा है, ये निरंजन की ताकत से हो रही है। इससे वो अपने से आगे किसी को नहीं जाने देगा। अभी आप देखें, एक मूवी है ब्लैक बॉक्स, उसमें ये दिखाया गया किस तरह मेमोरी निकालकर फिर उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं दूसरी मेमोरी। ये रिसर्च किया, मैं कहा ये पद्धति पुरानी थी, किसी के शरीर में कंसंट्रेशन से प्रवेश करना, वो पूरी मेमोरी उसमें, पूरा अपना व्यक्तित्व लेके चलना। आप देखें, हम सब ये मान रहे हैं मरने के बाद भी उसके लिए कहीं चौबरखी करते हैं, कहीं श्राद्ध करते हैं, कहीं पितृ तर्पण करते हैं। मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि वो जहां भी रहे खुश रहे। इसका मतलब है शरीरांत के बाद भी कुछ बाकी ऐसा जरूर रहता है जिसका अंत नहीं होता। मैंने एक उल्लेख पहले भी किया कि जब मैं सत्संग में
एक चैप्टर उठाया था, धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा, ये साहब का भजन है। मुझे एक ने कहा महाराज ये सब उलझुल बातें हैं, विज्ञान इनको नहीं मान रहा है, आखिर धर्मराज के पास इतनी एम्प्लाई कहां से आई कि हर एक आदमी के कर्म लिखे जा रहे हैं पल पल। अगर एक आदमी का पूरा कर्म लिखना है, उसके पीछे चार आदमी लगाओ तभी भी नहीं दिन भर में उसकी पूरी क्रियाएं नोट कर पाएंगे। इतने कागज, इतनी कलम, इतना इंस्ट्रूमेंट धर्मराज के पास कहां से आया। मैंने कहा आज मैं आपको वो फैक्ट्री भी दिखाऊंगा, कागज कहां से आया ये भी बताऊंगा, कलम कहां से आई ये भी बताऊंगा, कैसे लिखा जा रहा है ये भी बताऊंगा। मैंने कहा आपने जीवन में जो जो काम किए शुभ अशुभ, आपको सबका ज्ञान है कि नहीं? बोला हाँ। मैंने बोला वो ज्ञान आपकी मेमोरी में है, मुझे मेरा एक सत्संगी एक हार्डिक्स दिया। बोला गुरुदेव आज तक आपने जितने भी भजन गाए, जितने भी सत्संग किए सब इसमें है। मेरी सेहत थोड़ी खराब चल रही है, शरीर का भरोसा नहीं है, आप इसको अपने पास सुरक्षित रखना। इस तरह इंसान के अंदर बहुत जबरदस्त मेमोरी कार्ड फिट किया हुआ है, आप इस संसार में सुरक्षित नहीं हैं, आप पर निगाह है, आपकी सभी वृत्तियां लिखी जा रही है, सभी कर्म लिखे जा रहे हैं। ये संसार नाशवान होने के बाद भी कौतुक में है, अनूठा है। ये मानव तन मलमूत्र से बना होने के बाद भी अद्भुत है, क्यों? इसका उल्लेख शास्त्रों में भी आ रहा है। साहेब वाणी में कह रहे हैं धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं अहो भाग्य मानव तन पाया, सुदुर्लभ सदग्रंथन गया। ये मानव तन इतना दुर्लभ है कि देवता चाहते हैं इसको, वो मानव बनना चाहते हैं। मानव बनना मोक्ष के नजदीक पहुंचना है। इसी तरह चाहे ये मलमूत्र का बना है, इसमें विशेषता, ये संसार चाहे नाशवान है तो भी रहस्यमय है, अद्भुत है। यहीं से ही जहां जाना चाहो जा सकते हो, पितृलोक जाना है वहां जा सकते हो, स्वर्ग आदि लोगों में जाना है लोगों में जाना है वहां जा सकते हो। इसका पूरा प्रावधान, पूरी युक्ति, पूरी विधि शास्त्रों में है। अगर ब्रह्म में लीन होना चाहते हो तो ब्रह्मवेत्ता बन सकते हो संन्यास को धारण करके। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो रास्ता बना हुआ है, शुभ कर्म करके आप संसार स्वर्ग में जाएंगे। घबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं दुख दिए दुख ना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसलिए अगर आप नरक में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आप चुनो ना कहाँ जाना है। अशुभ कर्म करो, पापिष्ट कर्म करो, वो नरक का रास्ता है।
अगर आप परम लोक को, परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, सदगुरु से सच्चा शब्द लेकर वहाँ भी जा सकते हैं। तो कितना रहस्यमय है ये संसार, ये ऐसा बस स्टैंड है जहाँ से हर जगह जाने की बस मिलती है। तो बंधु, ये तो विचार करना हुआ, आइए आगे देखते हैं। साहब एक बात कह रहे हैं, लोमर श्री की आदिक मुनि नाना, जिनको हंस कबीर बखाना, लोमश ऋषि कोटिन उत्पत्त प्रलय जो हुई, कहो गर्भ नहीं आवेश हुई। वो कभी आते नहीं थे। कांगभूषण के संवाद में भी आता है, रामायण में, हजारों जन्म लिए। तो आइए, यानी आपके पास एक ऐसा जन्म, एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। आपको सिर्फ इस जन्म की बात मेमोरी कार्ड में नहीं है, कई जन्मों की। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, प्रैक्टिकल। सतलोक में जाने के बाद, सत्यलोक में जाने के बाद ये नहीं लगता है कि पहली बार आया हूं। वहां जाकर हंसों से मिलने के बाद लगता है, ओ यहां तो हम पहले थे। आप सोचे, आपके पास तीन मेमोरी है, एक तो है ब्रेन की, वो ज्यादा हेडेक नहीं लेती है वो मेमोरी। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ मोबाइल है वो 32 GB के हैं, उनमें सिस्टम कुछ 64 के हैं, कुछ 128 के हैं, कुछ 256 के हैं, कोई 512 के हैं। इस तरह से पहली आपकी जो मेमोरी है ब्रेन की, वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। वो सिर्फ इस जन्म की घटनाओं को संग्रहित कर सकती है, पिछली नहीं। ऐसा प्रावधान है, अगर आपको पिछला जन्म याद होता रहेगा तो आप जी नहीं पाएंगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। मान लो इस जन्म में आपकी पत्नी नेहा है और 2 बच्चे, पिछले जन्म में आपकी पत्नी सुधा थी, आपका शरीर छूट गया, आपके बच्चे थे, तो आपका कंसंट्रेशन उस तरफ भी जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए बड़े हिसाब से ये सब चीजें सृजित की गई है, आपकी लाइफ में कंट्रडिक्शन आ जाता है। लेकिन आपकी ये जो ये मेमोरी जो है ब्रेन की, ये इस जीवन की घटनाओं से ही परेशान हो जाती है। इसलिए विशेष बातें रखती है अपने पास, उलूल उलझुलूल बातों को निकालती है, अब मेमोरी फुल हो जाती है तो आप डिलीट करते हैं। इस तरह आप भी डिलीट करते जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए। इस तरह दूसरा आपका अंतःकरण की मेमोरी है, इसका श्रीमद् गीता में भी उल्लेख है, 100 जन्म की घटनाएं पूरी याद रहती है इंसान को, वही विचार गूंजते हैं, वही विचार उठते हैं, पर यह ब्रेन की मेमोरी उनको नकारती है। एक बच्चा बचपन में ही क्यों कह रहा है डॉक्टर बनना है, अभी तो उसको डॉक्टर का इल्म ही नहीं, ये एक पिछले संस्कार। इस पर साहब ने एक बात अच्छी कही है, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। इस तरह अनंत जन्म तक वो बात याद है। कभी कभी कुछ घटनाओं में लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनको पिछला जन्म याद होता है। मैं आपको करीब 30 साल पहले की बात बताता हूँ, यहाँ बाड़ी ब्रह्मणा जम्मू शहर के पास एक तहसील है, वहाँ एक बच्चा था, वो 4-5 साल का हुआ तो बार बार कहता था मैं जम्मू का रहने वाला हूँ,
मेरी माँ का ये नाम है, मेरे बाप का ये नाम है, पूरी घटना है। घर वाले सोचते थे ये इसकी कपोल कल्पना है, लेकिन बच्चा बार बार उसी तथ्य की तरफ ट्रेस करता था। अंतोगत्वा उसके माँ बाप उसको वहाँ ले गए। वहाँ जाने पर उनको ये पता चला कि सही में ये जम्मू शहर के किसी मोहल्ले का था। उसने माँ को पहचाना, बाप को पहचाना, अपने जीवन की घटनाएं बताई, क्योंकि वो सडनली उसकी मौत हो गई थी, एक्सीडेंटल थी। तो ये इसी तरह आपके अंतःकरण की मेमोरी लंबी है, बड़ी मजबूत है। यहाँ साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। प्रारब्ध यानी आपके किए हुए सब कर्मों का पूरा हिसाब होता है, उसके अनुसार आपको पुनर्जन्म मिलता है। यहां साहब कह रहे हैं कोटि कर्म पल में कटे, करोड़ों कर्म पल में कटते हैं जब आवे सदगुरु ओट। अभी मैं क्या करूंगा, जितने मेरे प्रवचन है, मुझे भोपाल से करण साहब का वकील साहब ने फोन आया, मुझे वो कह रहे थे जो आजकल आप सत्संग दे रहे हैं इसमें कंटिन्यूटी है। जो आप स्टेज पर सत्संग देते हैं उसमें एक चीज़ होती है, बीच बीच में प्रसंग आते हैं, इसलिए लिंक नहीं मिलते हैं। मुझसे आज्ञा मांग रहे थे कि गुरुजी अगर आप कहें तो इन सबको मैं कंप्यूटर में जाकर साउंड को अक्षरों में परिवर्तित करके किताब छापूं। मैंने कहा ठीक है, यानी एक सिस्टम है। मैं आपको एक उल्लेख एक बात बता रहा हूं, मैं रसिया के पास यूक्रेन में वहां गया, तो वहां एक लड़की है बड़ी सेवादार है इलीना, वो क्या करती है, वो बाहर से लोग आते हैं वहाँ यूक्रेन के पास में, जर्मन भी है, ब्रिक्स सी है, फ्रांस है, ब्रिटेन नज़दीक है, यूरोप नज़दीक है, वहाँ से लोग आते हैं। वो लड़की इतनी परमार्थी है, सबको एयरपोर्ट से रिसीव करके सत्संग और जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ लाती है। और जब मैं वहाँ जाता हूँ मेरे रहने की पूरी व्यवस्था वो करती है, उसकी माँ और वो, ये बैंक में बहुत बड़ी ऑफिसर है। लेकिन इतनी परमार्थी लड़की है वो, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती, वो यूक्रेन की लैंग्वेज बोलती है, टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं आती है। मुझसे बात करने में हिचकती है बड़ी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी मैं भी बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, मैं भाषाविद नहीं हूँ। कोई भी कहे मैं किसी भाषा को पूरा जानता हूँ तो ये गलत है। आप देखते हैं हमारे देश में बड़े अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी अटकते हैं कहीं कहीं, कैवलरी नहीं मिलती है इतनी, लेकिन काम चलाओ अंग्रेजी इजी है, चल जाता है। लेकिन उसको कुछ नहीं आता था, वो वहाँ के रशियन लोग और यूक्रेन के लोग अंग्रेजी से नफरत करते हैं, जर्मनिस्ट भी, फ्रांस के भी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, यूरोप में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। इवन एयरपोर्टों पर भी वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसने मुझे बोला, न हिंदी समझती थी न अंग्रेजी समझती, ये आज से सात आठ छः सात साल पहले की बात है। तब उतना ज़्यादा ये इंटरनेट सिस्टम और गूगल उतना एक्टिव नहीं था जितना आज है। वो बोली ठीक है, उसने अपना स्मार्टफोन खोला, बोला जब मैं बोलती जाऊँगी वो अंग्रेजी में कन्वर्ट होता जाएगा, स्क्रीन पर आएगा, आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो, वो यूक्रेन की लैंग्वेज में बदलता जाएगा। यही चीज़ हमारे अंदर भी है,
हमारे अंदर जो थॉट उठते हैं हम जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में बाहर रखते हैं। ये सब कुछ घट में है, कोई बाहर नहीं है। तो इस तरह से फिर उस तरह की तरंगें हमारे अंदर से निकलती है। मुझे दुनिया में कुछ भी नया नहीं लगता है। अच्छा, वो वहाँ जब मैं जाता हूँ फाइव स्टार होटल में मेरे रुकने की व्यवस्था करती है, तो वहाँ उसमें करीब 30,000 रुपया एक नाइट का किराया होता है। मैं उसको कहा, भाई इतना पैसा क्यों खर्चा करती हो, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, एक धर्मशाला में भी रुक लेता हूँ। उसने कहा, नहीं गुरुजी, दुनिया के देशों से जो लोग आते हैं यूक्रेन में, यहाँ कीव उसकी राजधानी है, हमारी बैंकिंग में एक मुझे फैसिलिटी है, उसमें 80% से ज़्यादा रिबेट मिलता है मुझे, तो आपके रहने के जो मान लो 25,000 लगते हैं, मुझे सिर्फ 5,000 पे करना पड़ता है। तो उसकी लिमिट, कहने का मतलब यह है हम अपने विचारों को जिस भाषा में चाहें कन्वर्ट करते हैं। यही सिस्टम गूगल वालों ने भी किया है। कुछ भी नया नहीं है दुनिया के अंदर। तो बंधु, इस तरह जन्म एक नहीं, जन्म अनेक, छूटे नहीं कर्म का लेगा। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। आप विश्वास कीजिए, ये शरीर के अंदर कुछ सिस्टम बड़े दुर्लभ है। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत का होनहरी। तो अभी कन्वर्टर लगे, आप कोई भी भाषा बोलो, गूगल उसको कन्वर्ट कर देगा किसी भी भाषा में। आप हिंदी बोलो, लेकिन जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है, ये नहीं कि आप कहो जाकर कोई लोकल भाषा बोलो, नहीं, वो उसको बदल करके स्क्रीन पर ला देगा। आज ये प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी जाने के लिए। इसलिए एक ज़माना था जब इंसान नेविगेशन सिस्टम नहीं था, लेकिन जब उन्नति हुई, नेविगेशन सिस्टम को स्थापित किया गया। अब हवा में हवाई जहाज उड़ते हैं, बादलों में वो नेविगेटर उसको इंडिकेट करता जाता है। इसी तरह आपको कहीं जाना है, किसी से पूछने की बात ही नहीं है। आपके स्मार्टफोन में सभी चीज़ें समा दी वाह वैज्ञानिकों ने। इसी में टार्च है, टार्च का सिस्टम ही खत्म हो गया। इसी में टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर का सिस्टम खत्म हो गया। इसी में टाइपराइटर है, वाह टाइपराइटर इसी में। इसी में सभी सिस्टम है, इसी में प्रिंटिंग सिस्टम है, सभी चीजें इसमें समाहित कर दी। पहले कहते थे नो लाइफ विदाउट वाइफ, आप गूगल में जाओ तो कहेंगे नो लाइफ विदाउट गूगल। आपको कहीं भी जाना है, आपको एड्रेस होनी चाहिए, बस आप उसमें फीड कर दो, आपको वहां पहुंचाएगा जाकर उसमें नेविगेटर। आपकी बॉडी में ये सब चीजें हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहा न हो रही। साहब क्या कह रहे, सुषुम वेद विधि कर्म जो करिए पाए अमर पद बहुत नमरिए। सुषुम वेद आपके अंदर है। आप देखते हैं ना, जब आप कुछ गलत करने जाते हैं तो अंतर से एक प्रेरणा मिलती है, ना ये ना करो। जब इंसान का हृदय शुद्ध हो जाता है, सुषुम वेद की पूरी वाणी ऑन स्क्रीन आ जाती है। तीरथ जाए बलाए हरदम पर भी ना आए। कह रहे क्या तीरथ जा रहे अंदर ना, तीरथ कोटि अनंत है रे गंग जमन जैन दो। अब साहब कह रहे हैं तीरथ अनंत कोटि गंग जमन जहन दोए, जहां गंगा जमुना मिलती है। अब लोग सीधा पहुंचेंगे इलाहाबाद,
लेकिन साहेब का इशारा कहाँ है? इंडा पिंगला। बाएं इंडा दहने पिंगला। साहेब कह रहे वहां जा, वहां अनंत तीर्थ है, पूरा ब्रह्मांड का वो रास्ता है, वहां से मध्य सरस्वती बहते हैं, नाहे निर्मल हुए। बोला जब आप सुषुम्ना में जाएंगे तो वहां पूरा मन का खेल समझ में आएगा, पाप कर्म छूट जाएंगे, ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, बाकी तुम्हें वहां अनंत कोट जो तीर्थ है वहां ये काम नहीं मिलेगा। देखिए ना क्या वाणी है। ब्रह्मनगर के घाट में हो आगे शिव को लिंग, ताऊ पे दक्षिणा दीजिए रहे सहस मुख गंग। वाह वाह, सहस्त्र सार में जाओ, वहां पर सच्ची गंगा मिलेगी आपको। आगे कलाली घाट है रे चोखा फूल चुभंत, बिन सदगुरु पावे नहीं कोई साधु जन पीबंत। वाह, बोला वहां बिना सदगुरु के तुम जा ही नहीं सकते हो, इसलिए सदगुरु की सीख लेकर के अंतर्मुखी हो जाओ। शीश उतारे धरन धरे रे ऊपर धर ले पाए। हा, शीश उतारे धरन धर, सर उतार कर जमीन पर रखे, ऊपर धरे ले पाओ ब्रह्मनगर के घाट मेरे, यह विधि पर भी न्याय। इस तरह ना, यानी वहां जीवत मरिए पूरी। जब इंडा पिंगला लय हो गई, इसका मतलब है नीचे बॉडी में सप्लाई बंद हो गई श्वास की। अब सुषुम्ना जब चली, ये हुआ जीवत मरना। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। ब्रह्मनगर के घाट मेरे याविद पर भी जान ना है, वहां ना हो जाकर। पंचवटी के घाट पर भई संतन की भीड़। वाह, गोस्वामी जी के। अब पंचवटी यहां ऋग यजुर् साम अथर्वणा, ये चार वेद को ज्ञान वो स्वति मिल जाएगा हमें आपको। अब आप देखें ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कोई ग्रेजुएट नहीं थे, कोई उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, उन पर पीएचडी हो रही है। रविदास महाराज भी कोई ग्रेजुएट नहीं थे, उन पर पीएचडी हो रही है। नानक देव जी कोई ग्रेजुएट नहीं थे, उन पर पीएचडी हो रही है। कबीर साहब ने तो क्या कह दिया, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गई ही नहीं हाथ, चारों युग का महात्म मौखिक जनाई बात। यानी कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जाना जान, वो सब मिल जाता है। उनकी कहो वहां कौन गत, बांधे गांठ पखान। अब बांधे गांठ पखान क्या, कुछ लोग जो मूर्तियां वगैरह हैं वो ठाकुर जी की अन्य, वो पूरी पोटरी बांध करके चलते हैं। बोला वहां ये नहीं चलेगा, बांधे गांठ पखान, पखान पत्थर को कहते हैं। चार वेद को पिता है रे ससम वेद संगीत, साहेब कबीर चूके मोख मेरे अभिगत ब्रह्मातीत। अब आगे साहब कह रहे वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, वो ब्रह्म रूप हो जाएगा। अब आगे जो प्रमाण साहब दे रहे हैं ध्यान से सुनना। वर्ण आश्रम सब मिथ्या जाना, नरक सो अज्ञान ध्यान माना। ये सब मनुष्य के अज्ञान के द्वारा वर्ग और वर्ण बने हुए हैं। पूर्व कर्म बिन यही तन माए केते विप्र शूद्र रह जाए। कितने विप्र शूद्र बन गए, केते शूद्र विप्र स्वभय, कितने छोटी जात के लोग ब्राह्मण बने। माता पिता ने ब्राह्मण रहे, जिनके माता पिता ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्म जनित ब्राह्मणा।
जो कि वर्ण आश्रम से अटका, निश्चय सो सतपथ से भटका। ये व्यवस्था सिर्फ कहीं ऊपर उठो कह रहे हैं साहब। ज्ञान द्वार जो भ्रमण भय वर्णाश्रम ताके नहीं रहे, जो ज्ञान द्वारा ब्रह्म में लय हो गया उसका कोई वर्ण नहीं रहता है। राजा पंडित मिस के दो ही वर्णाश्रम थापे सब कोई, जीते जी वर्णाश्रम बंधा, उत्तम विद्या से स्वबंधा। ये सब बनाई हुई व्यवस्था, उत्तम धर्म गह नहीं पावे वर्णाश्रम तिनको अटकावे। वो बस एक ही अहंकार होता है कि मैं ऊंचे कुल का, ऊंचे कर्म में जन्मिया करनी ऊंच न हो, क्या फायदा है फिर। लहे कभो ना ज्ञान की घाटी, वो ज्ञान की घाटी पर नहीं पहुंच पाते जिनको वर्णाश्रम की टाटी, टाटी के पर्दे को कहते हैं जो वर्णाश्रम में उलझे। अब आगे साहब जो उदाहरण दे रहे हैं वो सुन लीजिए। चक्रवर्ती प्रथमे जैन मते में भाका, तीन वर्ण कुल करते राखा। भर्तरी ने ब्राह्मण वर्ष थपाई, चार वर्ण कुल यह भांत कहाई। चक्रवर्ती पद भर भर्त पायो, दान देन को प्रजा बुलायो। राजा भर्तरी ने दान देने के लिए प्रजा को बुलाया। जल में धरती हो जैठाई, जीव असंख्य तहां प्रगटाई। दान लेन को प्रजा जो चाले, दयावंत पथ गयो निराले। जहां कीच तह पग नहीं देऊ, भरथर भूख तेह न्यारा केऊ। जहां पर जीव हैं, कई जीव थे, भर्तरी ने उनको न्यारा किया। ब्रह्म जीव जिन दया पालो, कीच बीच सो नहीं चालो। जिनमें दया थी वो कीचड़ में नहीं चले। ब्राह्मण तिनको नाम उचारा, सब पर श्रेष्ठ धर्म सुधारा। उनमें अहिंसा थी इसलिए उनको ब्राह्मण कहा। अजय पाल गणेश को राजा, कनौज को राजा, रचे ताहे में यज्ञ समाजा। 700 वर्ष के ऊपर भयु, लख ब्राह्मण सो नेवित बुलेऊ। 100,000 ब्राह्मणों को नेवता बुलाया। ये थे ब्राह्मण सो नहीं पाए, तब नरेश हुकुम चलाए। तब उन्होंने राजा ने एक हुकुम चलाया, भूप सभी को ध्वज कर जाना। ध्वज ब्राह्मण को ध्वज विप्रतुल्य दे आदर माना। उनको ब्राह्मण के समान ही कहा, सब सब ब्राह्मण है। जब 900,000 ब्राह्मण नहीं मिले तो ब्राह्मण के समान ही उनको आदर दान दिया। केते बने थे बेला, निजगल माए जनेऊ बेला। तो काफी उस समय ब्राह्मण बने और जनेऊ डाला। कनौज के ध्वज पंच बुलाई, बंगाल में सो चल जाई। वाह, निर्भ बुलाया सेनापति बंगाला, ताको कही अश्चाला। ब्राह्मण पांच और कायस्थ पांचा, पहुंचे जहां महीपत चाचा। तिने प्रतिष्ठा दीन सो राजा, बसे बंगाल सहज समाजा। तिनका वंश पसारा कीना, भिन्न भिन्न पदवी सो लीला। उनको फिर बंगाल में भेजा, उत्तम मध्यम तिन में कीना, जैसो कर्म जास तर लीने। ब्राह्मण तिन में तीन बडेरे, शत्रुजी वर्ण जी मुखर्जी तेरे। कायस्थ श्रेष्ठ कहे मनतीनी, घोष बोस मीतर कह दीनी। घोष बोस आदि मीतर, या विद जात वर्ण ठहराई, असल नकल दोनों मिल जाए। असल नकल मिल एक जो भयो, मान बढ़ाई जीव सब गयो। जात वर्ण में जीव अर्जाना, बिन श्रम 700 बंधे बाना। इस तरह ये ईश्वर की तरफ से तो होके नहीं आया, ये यहाँ बना। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू व मुसलमान बनाया। अच्छा है, अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है दुनिया के किसी महसब से, तेरा काम नहीं। जात वर्ण में जीव अर्जाना, बिन श्रम 700 बंधन भाना। जिन नृत्य
जात वर्ण मिल गई, भांत भांत की रीत चलाई, इस तरह अलग अलग रीतें चली। तिम त्रिदेव देवपुर राजा कीने जगत के सब काजा, खट दर्शन पाखंड बनाई, श्रुति स्मृति में जग अर्जन, कुल मर्याद थाप सो सारा, बंधन माए बनो संसार, जाति वर्ण के धर्म में जोई, संसारी कहला भी सोई। इसलिए एक सन्यासी की भी जात नहीं होती है, वो अचित गोत्र हो जाता है। ये एक तात्विक चीज है। जो बेहद के चालन हारे, साधु सोई मुक्ति मग पग धारे, जात वर्ण सब मिथ्या हुई, ताको साध न माने कोई। इसलिए साधु संत नहीं मान रहे, विप्रशूद कर्म ही ते हुई, जन्मते हैं शूद्र है, जन्म लेते सभी शूद्र है, क्योंकि मलमूत्र के द्वार से आए और मलमूत्र की देही है। गजते अचल मुनीश कहाय, वाह, हाथी से ही अचल मुनि बने हो, केश पिंगल मुनि उल्लूक जाए, उल्लूक से पैदा हुए थे केश पिंगल मुनि, पुष्प अगस्त्य अगस्त्य उपाना, लता शाक गौतम ऋषि जाए। हाँ, कह रहे हैं कपि कहते हैं बंदर को, बंदर से कपिल मुनि की उत्पत्ति है, साहब कह रहे हैं लता शाक गौतम ऋषि जाए, लता और शाखों से गौतम ऋषि की उत्पत्ति है। रज से परशुराम प्रगटाए, रज से परशुराम की उत्पत्ति है। श्रृंगी एक मिनट, और कौशिक मुनि कुश से प्रकटाना, कुश से पैदा हुए, कपि से कपिल मुनि छुपाए, कपिल मुनि कपि बंदर से हुए, जैसे हनुमान जी वानर से भी कितने महान बने। लता शाक गौतम ऋषि आए, रस से परशुराम प्रकटाए, श्रृंग ऋषि हिरणी के जाए, श्रृंगी ऋषि हिरणी से आए, केवर्तन से व्यास हो पाए, विश्वामित्र चंडालिन जाए। हाँ, विश्वामित्र जी चंडालिन जाए, ये सब कर्म के अनुसार कितने महान बने। कर्म प्रधान विश्व विश्व रच राखा, जो जस किया तस पल चाखा। ब्रह्मा आप कमल से हुई, ब्रह्मा खुद कमल से आए, सकल सृष्टि का कर्ता जोई। साहब ने जो कुछ कहा बहुत ठीक कहा। वेशा से वशिष्ठ मुनि आए भयो, वेशा से उत्पत्ति हुई, वेशा ने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, बोला मेरा पुत्र तुम जैसा हो, इसलिए ब्रह्मा जी वेश्या के गर्भ से वशिष्ठ मुनि इत्यादि मुनि ब्राह्मण कहे, ये सब ब्राह्मण कहे नहीं, ब्राह्मणी इनकी माता, इनकी मां ब्राह्मणी नहीं थी। तऊ जगत में द्विज विख्यात, द्विज कहते ब्राह्मण को, तो भी दुनिया में ये ब्राह्मण के नाम से हो सकते। इसलिए सन्यासी की कोई जात नहीं होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम लोग सन्यासी हैं इसलिए तो पीछे परमंश लगाते हैं। सन्यासी दो हैं, वैदिक और आध्यात्मिक। अयोध्या में गुरुदेव एक अपने गुरुदेव की फोटो बनाना था, तो मैं साथ में साइकिल पर ले गया था, बहुत पुरानी बात है, 50 साल पुरानी। उस समय संसाधन बड़े कम थे, तो एक आदमी आया जनेऊ पहने और कई टीके लगाए, बोला बाबा कौन जात के हो। गुरुदेव ने कहा भाई जात पात पूछे ना कोई, प्रभु को भजे सो प्रभु को है। बोला ये भाई रविदास महाराज जी ने बोला, वो पिछले वर्ष दलित वर्ग से थे,
यानी वो बड़ा उसको जात का बड़ा अहंकार था। गुरुदेव ने जात नहीं बोली। जब वो ज्यादा बहस कर रहा था तो मैं कहने वाला था, मेरे गुरुदेव भी ब्राह्मण, तो मैं कहने वाला था ब्राह्मण, मेरे हाथ को गुरुदेव ने दबाया, बोला इससे कोई प्रमाण पत्र लेना, कहने देना इसको सन्यासी की बेटे जात नहीं होती है, जात मत बोलना अपना तुम किसी को, और किसी से जात नहीं पूछना, मानुष की जात पहचान। खामोश रह गया मैं। ये जात का अहंकार भी बहुत बुरा होता है। उत्तम मध्यम कर्म ही आई कर्म थे उग्र शूर रह जाए। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। इसलिए संतत्व की धारा ने इसको मिथ्या कह दिया। नाता तो और हरि भजे जगत का भक्त का हावे सोए। बड़े गए बड़े आपने रोम रोम अहंकार सतगुरु की परचे बिना चारों वर्ण समार। वाह तो साहब क्या बोल रहे हैं, उनकी परचे के बिना ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। अब साहब क्या बोल रहे हैं वो सुनना। पहले तारों कोरी चमारा, बोला पहले मैं उनको तारूंगा क्योंकि उनका अहंकार नहीं है जात का। फिर तारू राजन दरबारा, फिर मैं राजा उन क्षत्रियों को तारना है। नाम स्मरण ले अमृत बानी क्या चतराई ठाने नर प्राणी। पंडेरे भरतरी चारों वेदा बिन सदगुरु नहीं पायो वेदा। चारों वेद पढ़ने के बाद कंठास्थ किया तभी भी वेद नहीं मिला। गोरख खोजत जन्म सराने काया की कहते उन्होंने जाने। कितना सटीक साहब बातें बोल रहे हैं। पंडो ने बहुविध विप्रकारा तबो न घंट बजा बारा। जब है जुरे कोटिन ऋष राजा तबो न घंट अधर बिच भागा बाजा। जब है सुपज मंदिर पगधारा बाजा घंट होए झनकारा। सुपज सुदर्शन वाल्मीकि समाज से थे, स्वीपर थे। मर्दा मान सबिन का सुपज बिन घंट न बाजा। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ वासुदेव कृष्ण ने पांडवों को कहा तुम पर गोत्र हत्या है, प्रेत योनि में जाओगे, इसलिए यज्ञ करो। अर्जुन ने सीधा सीधा कहा महाराज हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, युद्ध आपने ही कहा हमने युद्ध किया। बोला वो राजनीति थी, धर्म नीति के अनुसार आपने गोत्रवध किया, यज्ञ करो। और घंटा बांधा था, बोला जब घंटा बजेगा तब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। 88,000 ऋषि मुनियों को बुलाया, सबने भोजन किया, घंटा नहीं बजा। ये सुपर सुदर्शन की कथा में भी आता है, वाल्मीकि लोग इसको पढ़ते हैं बोलते हैं, वो अपना इष्ट उनको मानते हैं वाल्मीकि जी को और सुपर सुदर्शन को। वासुदेव कृष्ण से पूछा महाराज घंटा नहीं बजा, बोला इसमें कोई साधु भोजन नहीं किया। हाँ बोला 88,000 ऋषि मुनि आए, इतने ब्राह्मण इतने सब आए, घंटा नहीं बजा। बोला एक भक्त है सुपज सुदर्शन, उसको लाओ। वाह जब सुपज सुदर्शन को लाए बड़ी मुश्किल से आए, बोला राजा राव के पास हमें क्या काम है। जब वहाँ आए द्रौपदी जी ने 56 भोग बनाए, 56 पदार्थ, राजा महाराजाओं के लिए 56 भोग होते थे, उनकी मर्जी है जो खाए। सुदर्शन ने क्या किया, सबको मिलाकर एक निवाला यू सबको जैसे खिचड़ी करते उठा, एक खाया, दूसरा जब उठाया इतने में द्रौपदी की नजर पड़ी, बोला आखिर है तो शूद्र ना, देखो ये क्या जाने बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और सुपज सुदर्शन ज्ञानी पुरुष थे, अंतःकरण की बात पकड़ी, छोड़ दिया वहीं भोजन। एक बार घंटा बजा, फिर युधिष्ठिर के पास आए, वासुदेव कृष्ण के पास आए युधिष्ठिर। ये दंतक कथाएं नहीं है, इसका उल्लेख है, साहब भी उल्लेख कर रहे। बोला भाई उन्होंने भी खाया, दिव्य दृष्टि से देखकर कहा भोजन खाते उसका अपमान हुआ इसलिए उसने भोजन छोड़ दिया, एक ही ने वाला खाया। फिर सबने आकर प्रार्थना की है, तब सुपज सुदर्शन ने भोजन खाया, घंटा बजाए। मर्दा मान सबिन का सुपज बिन घंट न बाजा। तो इस तरह भैया कितने कितने द्रोणे से द्रोणाचार्य, ये सब महापुरुष कहलाए, सब वो कहलाए।
वैशन पायन ऋषि के पास नेत्रदृष्ट वचन प्रकाशा। युधिष्ठिर ने जाकर ऋषि वैशन पायन से एक सवाल कहा, कृपा करो कहिए ऋषराया, कै गुण गही ब्राह्मण कहलाया, किन गुणों को धारण करके ब्राह्मण कहलाता है इंसान। तब ऋषि राय कहे समझाई ब्राह्मण को यह गुण बतलाई। अब सुनिए ब्राह्मण के गुण, गए गए धर्म और धर्म के गुण को, कभो अधर्म अकर्म न उनको, कभी अकर्म नहीं करे। द्वितीय, कभो मांस न खाए, कभी मांस न खाए, कभो न कोई जीव सताए, किसी जीव को कभी न सताए। प्रथम है वस्त्र कहीं कोई पावे, बिन स्वामी आज्ञा न उठाए। किसी की चीज मैं भी कहता हूं गिरी हुई मत उठाना। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कभो न जग विषयन में चित्त, इन विषयों की तरफ ध्यान न दे। पंचम गहे पंच गुण जबई, तप दम दया सत्य प्रिय सबई, और तप करे, संयम करे, दया करे, सत्य बोले, सब में ईश्वर सोई ब्राह्मण। जब ये गुण गहिए बिन गुण सदा शूद्र तह गहिए, इनके अलावा वो सब शूद्र है। कही अब बात, जो चंडाल में ये गुण होई निश्चय ब्राह्मण जानो सोई, उसको ब्राह्मण मानना अगर चंडाल भी है। खटकर्मी विकार सब माए, गुण कर विप्र शूद्र मिल गई, जो गहे परमार्थ शुभ करनी मुक्त होए चाहे नहीं धरनी। शमदम दान आदि शुभ गुण गह ऋषिद्ध आदि गुण गह लय, एक विध शह वरण बनाया रुद्र बिंद से सबकी काया। बोला सबकी काया यार, देखो रुद्र बिंद से है, रज बीरज से है, तो कैसे तुम वर्गीकरण कर। सत्संग में सब एक है जाति, लिखा भागवत यही भांति, भागवत में भी पढ़ना एक ही भांति देखना। नृप सोने की है वरण बनाए, गुण कर भिन्न भिन्न मिल गाये, केते शूद्र विप्र हो जाई, केते विप्र शूद्र गुण गाई। रावण को राक्षस क्यों मान रहे, तो ब्राह्मण था कर्म के अनुसार। अच्छा आज काफी टाइम हुआ, आज मैं 50 मिनट बोला हूं, आपका 10 मिनट ज्यादा ले लिया, प्रसंग ऐसा था। तो ऊंच वही जो नाम है जान, बिना नाम सब नीच बगान, जागट नाम ने संचरे जिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस ले। इसलिए मैं किसी की जात नहीं पूछता हूं। गुरुदेव ने कहा ये बेवकूफी की बात है, नहीं पूछना, मैं पूछता नहीं, लेकिन लोग इससे निकल नहीं पा रहे। अच्छा है, मैं कई बार बोला पूरा विश्व घूमता हूं मैं, वहां कोई नाई नहीं है, कोई धोबी नहीं है, कोई चर्मकार चमार नहीं है, कोई भंगी नहीं है, कोई कुछ नहीं। अभी धीरे धीरे यहां भी आ रहा है। सुनो मैं आपको उदाहरण देता हूं, वहां जो सफाई का काम करता है उसको स्वीपर कहते हैं, जो जूतों का काम करता है उसी को मोची कहते हैं, जो लॉन्ड्री का काम करता है उसको धोबी कहते हैं। जात नहीं है वहां, वही सही सही है, वहां जात नहीं। अब यहां धीरे धीरे ये प्रथा आ रही है। मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर एक लेडी मिली, मुझे नमस्कार किया, मैं तो नहीं पहचान पाया उसे, वो दीक्षा ली थी मुझसे। तो सफाई वालों का अलग चोला है। तो मैंने पूछा क्या काम करते सफाई का, बोला गुरुजी और कोई नौकरी मिली नहीं, तो पेट तो पालना था, सफाई वाले में ही आ गए। मुझे एक आदमी बोला गुरुजी मैं हरिजन का सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ। मैं बोला वो क्यों भाई, आप किस कुल में हो? बोला गुरुजी उसमें हमें नौकरी मिल सकती है। यानी अभी उल्टा हो रहा है, अभी लोग उस वर्ग में अधिक जाना चाहते, जात पात पूछे ना कोई, प्रभु को भजे सब प्रभु को। तो बंधु मैं कल इस पर आगे बढ़ूंगा, आगे बहुत कुछ और भी है। अब आरती होगी साहब।